गिद्ध का अंडा। गिद्ध और सांपों की दुश्मनी तो सभी जानते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के जान के पैसे होते हैं। उनकी नजर खासकर एक दूसरे के बच्चों पर ही होती है। ऐसे ही एक बार गिद्ध ने पहली बार अपने घोंसले में अंडे दिए थे। उसे पता था कि मौका मिलते ही सांप उसके अंडे निगल जाएगा, इसलिए वो एक पल भी अपनी नजरों से अपने अंडों को दूर नहीं करती। मैं उस काले सांप को मेरे अंडों को पास तक नहीं आने दूंगा। तो कितनी भी कोशिश कर ले गिद्ध, पर कभी ना कभी तो तू अपने घोंसले से दूर जाएगा ही। बस उसी पल में तेरे अंडों को निगल जाऊंगा। गिद्ध हर तरह से अपने अंडों की रक्षा कर रहा था और सांप भी उस पर ही नजर गड़ाए बैठा था कि कब ये गिद्ध घोंसले से बाहर निकले और कब मैं अंडों का सफाया कर दूं। आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। काफी दिनों के बाद गिद्ध अपने घोंसले से बाहर जाने के लिए निकला। उसे खाने का इंतजाम जो करना था, पर उसे डर था कि कहीं उसके जाते ही सांप आ गया तो। उसने अपने अंडों की हिफाजत के लिए काफी पंछियों से मदद मांगी, पर सांप के डर से हर कोई उसे मना कर देता। पर आखिरकार गिलहरी ने उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या तुम नन्ही सी गिलहरी उस दुष्ट सांप का सामना कर पाओगे? अगर अकल से काम ली जाए तो हर बड़ी मुसीबत छोटी लगने लगती है। आप बिना किसी चिंता के जाओ, आपके दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। गिद्ध ऊंची उड़ान भरकर वहां से चला गया। सांप उसे जाता हुआ देख बहुत खुश हो गया, पर उसे नहीं पता था कि एक नन्ही और चालाक गिलहरी से उसका सामना होने वाला था। सांप उस पेड़ तक पहुंचे इससे पहले गिलहरी पेड़ से नीचे कूद पड़ी और पास ही में पड़े कांटेदार बेलों को बड़े ही सावधानी के साथ खींच कर ले आई और उस पेड़ के चारों ओर उसका घेरा बना दिया और खुद तुरंत छलांग लगाकर पेड़ पर जा पहुंची। थोड़ी देर में सांप वहां आ पहुंचा। ये क्या, ये किस मूर्ख ने कांटे यहाँ बिछाए हैं? अगर मैंने इन्हें पार करने की कोशिश की तो मेरा पूरा बदन लोहू लोहन हो जाएगा। क्या करूं, कैसे जाऊं? मूर्खो, इन कांटों को यहाँ से हटाओ। उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था सिवाय गिलहरी के। वो तो बस सांप की हालत देख खुश हो रही थी। बहुत देर तक सांप ने किसी की मदद के इंतजार किया, पर वहाँ कोई नहीं आया। आखिरकार गुस्से में आकर उसने उन कांटों को पार करने की कोशिश भी की, पर सिवाय दर्द के उसे कुछ हासिल नहीं हुआ और वो तड़पता हुआ वापस अपने घर लौट गया। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं फिर आऊंगा। जाओ जाओ, और अगर फिर आए तो इससे भी बुरा हाल करूंगी। सांप के जाते ही गिद्ध भी वापस लौट आया। उसने सांप को जख्मी हालत में देख लिया था और जैसे ही पेड़ के पास पड़े कांटों पर उसकी नजर गई, गिद्ध सब समझ गया। उसे गिलहरी की अकलमंदी पर गर्व महसूस होने लगा था। वाह, तुमने तो कमाल कर दिखाया। सच में इतने सारे पंछी जो ना कर सके वो तुमने कितनी आसानी से कर दिखाया। तुमने सच कहा था, ताकत से बड़ी अकल होती है। मान गए तुमको, कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगा। गिद्ध ने चारों ओर गिलहरी की तारीफ कर दी। उसका आजमाया इलाज सबको पसंद आया और सारे पंछियों ने अपने घोंसलों को सांप से बचने के लिए अपने अपने पेड़ों को इर्द गिर्द कांटे बिछा दिए ताकि सांप उन्हें पार कर उनके घोंसलों तक ना पहुंच सके। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अकलमंदी से किया हुआ कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।